हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीबीएन स्टडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन दूंगी। डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल विच हैज टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल लाइक ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। डी सी इज इक्वल टू ब्रेड्थ, बी सी इज इक्वल टू लेंथ। लाइक लेंथ इज बी सी एंड ब्रेड्थ इज सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ। लेंथ इज गिवन, लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। देन हम ये लेंथ और ब्रेथ को एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अप्लाई करेंगे। लेंथ इन टू ब्रेथ 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज एन एरिया, विच इज एन एरिया इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज गिवन 10 सेंटीमीटर। देन मैंने आपको पहले भी बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ। हमें एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर, लेंथ हमने फाइंड करनी है और ब्रेथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। देन लेंथ हमें फाइंड करनी है 25 अपॉन 10, तो हमारी लेंथ का आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिपीट अबाउट दिस क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इन टू ब्रेथ, और हमें एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हमारा लेंथ, हमारी आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।